हम अम्ब्रेला कट गाउन की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। मेजरमेंट इस प्रकार है, फुल लेंथ 50 इंच, अक्रॉस बैक 14 इंच, चेस्ट 36 इंच, वेस्ट 32 इंच, स्लीव लेंथ 16 इंच, बॉटम 10 इंच। सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालने का फॉर्मेट हमारा फुल लेंथ प्लस सीम अलाउंस प्लस टर्निंग। फुल लेंथ हमारी 50 इंच है, सीम अलाउंस इसमें हम 1.5 इंच रखेंगे क्योंकि इसमें तीरे में, बॉडी में और घेरे में सीम अलाउंस होता है। टर्निंग इंटरलॉक करवानी है, पिको करवानी है, टर्निंग करनी है, मोड़ना है, फेसिंग करनी है, पाइपिंग निकालनी है, उसी हिसाब से हम यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार टर्निंग रखते हैं। यहाँ पर हम 1.5 इंच रखेंगे। टोटल हमारा 50 प्लस 1.5 प्लस 1/2 52 इंच। जब हम कटिंग करेंगे तो इसी फॉर्मेट के हिसाब से हम लेंथ निकालेंगे। 52 इंच हमारी लेंथ निकल के आई। उसके बाद यहाँ पर हमारी बॉडी लेंथ दे दी रखी है, बॉडी लेंथ निकालेंगे। 52 में से बॉडी लेंथ माइनस करेंगे, फुल लेंथ माइनस बॉडी लेंथ 52 में से माइनस करेंगे 16 इंच। बॉडी डिपेंड करती है, हम 17 इंच की रखते हैं, 15 की रखते हैं या 16 की रखते हैं। जितने भी हम रखेंगे वो हमारी विड्थ निकल करके आएगी गाउन की। बॉडी लेंथ हमारी 16 इंच है। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, फुल लेंथ। ये हमारे गाउन की फुल लेंथ है यहां से यहां पर, और ये हमारी 16 इंच बॉडी लेंथ है। तीरा लेंगे अक्रॉस बैक का हाफ 14 इंच है, 7 इंच। लेंथ से अंदर की तरफ आएंगे हम 7 इंच। आर्म होल के लिए अक्रॉस बैक का हाफ प्लस 1/2 इंच। आर्म होल हमारा 7.5 इंच हम यहां पर डाउन आएंगे। चेस्ट के लिए 4 + 2 इंच, 2.5 भी हम कर सकते हैं। 36 को 4 से डिवाइड किया है
9 इंच प्लस 2 इंच इज इक्वल टू 11 इंच। लेंथ लाइन से अंदर की तरफ जाएंगे, 11 इंच पर मार्क करेंगे, ये यहां से यहां तक चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंच इज इक्वल टू 11 इंच। बॉडी लेंथ हमारी 16 इंच है, 16 इंच पर ये मार्क करेंगे। यहां पर हम वेस्ट लाइन निकालेंगे, वेस्ट लाइन के लिए वेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंच। फोर से डिवाइड करने पर 8 इंच प्लस 2 इंच इज इक्वल टू 10 इंच। 10 इंच पर यहां पर अंदर आएंगे, चेस्ट लाइन को वेस्ट लाइन से मिला देंगे। इस प्रकार ये करने के बाद नेक विड्थ निकालेंगे। नेक विड्थ निकालने का फॉर्मेट है हमारा नेक विड्थ चेस्ट डिवाइड बाय 12। 36 को 12 से डिवाइड करने पर 3 इंच। लेंथ निकालेंगे, चेस्ट डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6 इंच। 36 को 6 से डिवाइड किया, 6 इंच। लेंथ हम अपनी इच्छा अनुसार भी कम ज्यादा रख सकते हैं, फॉर्मेट के हिसाब से 6 इंच और विड्थ है 3 इंच। डिपेंड करता है हम चौड़ाई लंबाई अपने इच्छा अनुसार डिजाइन कोई भी हम कर सकते हैं। तीरा डाउन आएंगे, कोना इंच तीरा डाउन आएंगे और जो नेक विड्थ है हमारी वहां पर आकर मिला देंगे। आर्म होल जितना बचा उसका हाफ करेंगे, ये डाउन करने के बाद जितना बचा इसका हाफ करेंगे, आधा इंच अंदर आएंगे और इसको इससे जो तीरा डाउन हुआ उससे मिलाकर के आर्म होल की शेप करेंगे, चेस्ट लाइन से इस प्रकार ला करके मिलाएंगे। बैक के लिए यहां से उठाएंगे और बैक आर्म होल की भी हम गोलाई इस प्रकार करेंगे। ये करने के बाद बैक नेक की जो लेंथ है, अब फॉर्मेट के हिसाब से जितनी हमने विड्थ ली उतनी लेंथ रखेंगे या फिर कम ज्यादा अपनी इच्छा से हम कर सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं, कितनी भी लेंथ रख सकते हैं। फ्रंट की नेक की लेंथ 6 इंच है, बैक की 3 इंच है। ये जो है हमारी बॉडी लेंथ है यहां से यहां तक, ये हमारी बॉडी लेंथ निकल करके आई थी 16 इंच बॉडी लेंथ है। फुल लेंथ हमारी थी 52, 52 में से 16 इंच माइनस किया तो 36। ये करने के बाद जितनी हमारी यहाँ पे लेंथ बची है यहां से यहां तक की उतनी ही हम यहाँ पर विड्थ के लिए आगे निशान लगाएंगे।
और ये मिला देंगे। यहां पर ये अम्ब्रेला लेने के लिए एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें जो हमारी लेंथ है 36 उसमें ऐड करके चलना है वेस्ट डिवाइड बाय 8। जितनी भी हमारी वेस्ट है हमारी 32 इंच, वेस्ट डिवाइड बाय 8, 32 को 8 से डिवाइड किया तो 4 इंच, 32 को 8 से डिवाइड करने पर 4 इंच। ये जो हमारे गाउन की घेर है, ये वाली ये हमारी बॉडी है, ये घेर है, अम्ब्रेला बनेगा। यहां से इस लेंथ से 4 इंच पर इधर डाउन आना है, 4 इंच पर ही विड्थ में निशान लगाना है। ये निशान लगाने के बाद इसको इस प्रकार से गोलाई करनी है। ये ध्यान देना है हमने वेस्ट डिवाइड बाय 8, 4 इंच वेस्ट डिवाइड बाय 8 ही हम यहां पर आए थे और वेस्ट डिवाइड बाय 8 4 इंच ही हम यहां से यहां तक आए हैं, 4 इंच ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक 4 इंच। ये मार्जिन हमें अपनी लेंथ से एक्स्ट्रा रखना होता है। 36 में 4 ऐड करोगे तो ये टोटल यहां से यहां तक 40 इंच, इधर भी और ये यहां से यहां तक 36 इंच, 36 और 4 40। ये यहां से यहां तक टोटल 40। क्यों? क्योंकि हमने ये जो वेस्ट का 8 लिया है, ये पार्ट हमारा कट करके अलग हो जाता है। जब ये अलग हो जाता है तो हमारी लेंथ कम पड़ जाती है, इसलिए हमें ये ऐड कर ही कटिंग करनी होती है। ये करने के बाद अपने इस किनारे पर रखना है 40 इंच करके निशान लगाना है। हमेशा कॉर्नर पे इंच टेप रखना है, अगर हम यहां रखेंगे तो हमारी इक्वल नहीं आती है। कॉर्नर पे रखते हैं, इक्वल गोलाई आती है, एकदम परफेक्ट अम्ब्रेला बनता है। 40-40 पे इस प्रकार से मैं तो फ्री हैंड कर रही हूं, लेकिन आपको मेजर करना है और 40-40 का ही सर्कल बनाना है। ये करने के बाद अगर आप डॉट डालना चाहते हैं बॉडी में फिटिंग देने के लिए, तो वेस्ट में आप डॉट के लिए भी 1 इंच ऐड कर सकते हैं। डार्ट अगर डालनी है तो मैं यहां पर बता देती हूँ, डार्ट के लिए 1 इंच ऐड करोगे तो टोटल आपका हो जाएगा 11 इंच। अगर डॉट डालनी है तो यहाँ पे 11 लेनी है, और डॉट डालने का फॉर्मेट है आपका, यहां से जो लेंथ लाइन है ये वाली, यहां से चेन डिवाइड बाय 12 प्लस हाफ इंच, 3.5 इंच इधर आना है। डॉट डालने का फॉर्मेट ऊपर से तीरे से लेकर डाउन आना है, चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंच इज इक्वल टू 10 इंच, 10 इंच नीचे आना है, निशान लगाना है। इस 10 इंच से 1.5 इंच नीचे आकर जो भी डॉट की लेंथ होगी वो यहां पर आपने लेंथ देनी है डॉट की, और 1 इंच ऐड किया है तो आधा आधा इंच की डॉट डालनी है, 1.5 किया है तो पौना पौना इंच की। ये मैंने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन बताया, अगर आप डालना चाहते हैं तो ये फॉर्मेट हमें ऐड करना होगा बॉडी में। अगर नहीं डालनी है तो हमारा फॉर्मेट वेस्ट का ये होगा। इसके बाद हम स्लीव बनाएंगे, ये हमारी बॉडी होगी, ये नीचे का हमारा अम्ब्रेला हो गया। स्लीव लेंथ हमारी 16 इंच है, सबसे पहले हम स्लीव लेंथ लेंगे। ये यहां से यहां तक हमारी 16 इंच हुई,
इसके बाद स्लीव विड्थ निकालेंगे। स्लीव विड्थ निकालने का जो फॉर्मेट है, जितना हमने बॉडी में आर्म होल लिया है उसमें हम प्लस करते हैं डेढ़ इंच। साढ़े सात इंच हमारे जो है आर्म होल है, डेढ़ इंच प्लस किया तो नाइन इंच। स्लीव लेंथ हमारी 16 इंच है और विड्थ निकालने का जो फॉर्मेट है, आर्म होल जितने भी होते हैं प्लस उसमें हम 1.5 किया। आर्म होल हमारे साढ़े सात इंच थे, प्लस 1.5 डेढ़ इंच किया तो 9 इंच हमारी विड्थ निकल करके आई। ये स्लीव की फुल लेंथ है, फुल साइड। जितनी लेंथ हमने इधर लगाया था मार्क, उतना ही हम यहां पर लगाएंगे और इसको मिला देंगे। ये वाली साइड हमारी ओपन साइड है। इसके बाद आर्म होल की शेप करने के लिए हम डाउन आते हैं, चेस्ट डिवाइड बाय ट्वेल्व प्लस 1 इंच। 36 को 12 से डिवाइड करने पर 3 इंच, प्लस 1 किया तो 4 इंच। यहां से ओपन साइड से डाउन आएंगे 4 इंच पर और यहां पर इसकी शेप करते हुए हम यहां पर मिला देंगे। मिलाने के बाद इस शेप को कोने इंच अंदर आएंगे, यहां निशान लगाएंगे और ये हम फ्रंट की शेप करके इसको यहां पे लाके मिला देंगे। ये मिलाने के बाद बॉटम है हमारी 10 इंच। बॉटम का हाफ करेंगे प्लस डेढ़ इंच, 5 और डेढ़ साढ़े 6 इंच। बॉटम का निशान फोल्ड साइड से ओपन साइड की तरफ आएंगे और 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ये जो हमने डाउन किया है 4 इंच शेप की है, इससे इसको इस प्रकार मिलाते हुए रेखा खींचेंगे इस प्रकार। ये हमारी स्लीव है। ये बॉडी पार्ट है और ये अम्ब्रेला। ये हम हमें ध्यान रखना है कि ये जब हम लेंथ लेते हैं तो ये टोटल हमारी लेंथ ये होनी चाहिए, तभी हमारी परफेक्ट जो हमारी लेंथ तैयार है वो निकल करके आती है। ये हमारी स्लीव हो गई है ड्राफ्ट, ये बॉडी हो गया, ये अम्ब्रेला हो गया। अम्ब्रेला कट गाउन की ड्राफ्टिंग बनकर तैयार हुई।